हिंदू नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कल यानी कि 6 अप्रैल को मीन लग्न और अमृत योग में शुरू होगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से ही चैत्र के 9 दिवसीय नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे। कब और कैसे करें इस दिन मां दुर्गा को प्रसन्न, कैसे भरें अपने जीवन में खुशियों के रंग, दिखाते हैं आपको। शक्ति उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर परिधावी 2076 की शुरुआत 6 अप्रैल से हो रही है। नवरात्र में इस बार मां दुर्गा का आगमन सफेद अश्व से हो रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के प्राचीन मंदिरों में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना होगी। इस बार चैत्र नवरात्र में 5 सर्वार्थ सिद्धि, 2 रवि योग और रवि पुष्प योग का संयोग बन रहा है। श्रीमद् देवी भागवत और देवी ग्रंथ के अनुसार इस तरह के संयोग बिरले ही बनते हैं, इसलिए यह नवरात्र देवी साधकों के लिए बेहद खास है। सुबह शुभ के चौघड़े की बात करते हैं तो 7:50 से और 9:23 तक शुभ का चौघड़े रहेगा। घट स्थापना के दौरान पूर्वाभिमुख होकर के आपको बैठना है और देवी माँ दुर्गा देवी को स्थापित कर चुनरी उड़ाने के साथ उल्टे हाथ पर मिट्टी के एक बर्तन में मिट्टी डालकर जौ मिलाकर घट को स्थापित करते हैं। बसंत नवरात्र की शुरुआत चैत्र शुक्ल में उदय व्यापनी प्रतिपदा में होती है। इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 6 अप्रैल को दोपहर 3:23 तक है। शास्त्रानुसार बसंत नवरात्र का प्रारंभ और घट स्थापना इसी दिन होगी। वैधृति योग सूर्योदय से रात 9:45 तक है, जो कि घट स्थापना के लिए पूर्णतया वर्जित बताया गया है। अभिजीत स्वयं सिद्ध काल होने से इस समय ही घट स्थापना होगी। 14 अप्रैल तक चलने वाले नवरात्र में 8-8 शुभ संयोग भी बनेंगे। रामनवमी पर भी पुष्य नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिषों के अनुसार यह नवरात्र धन और धर्म की वृद्धि के लिए खास रहेगा। 6 अप्रैल को घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा, माँ ब्रह्मचारिणी पूजा, चेटी चंड, झूलेलाल जयंती, गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाएगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।